वेलकम बैक टू बाजार बादशाह। सो आज की टॉपिक में हम क्लियरली सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपको शेयर मार्केट में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग ट्रेडिंग के लिए लोन लेते क्यों है। आजकल लोगों में इतनी कम बुद्धि हो गई है क्या? आपके पास जब तक कोई प्रूवन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको 60-70% के आसपास एक्यूरेसी दे और उसका जो पोजिशन साइजिंग है वो भी बढ़िया हो, तब तक आप लोन लेने का सोच भी कैसे लेते हो? क्यों? बस आपको किसी मेंटर ने बोल दिया, आपको किसी गुरु ने बोल दिया यूट्यूब पे कि आप 1 लाख से नीचे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ओ मेरे पास तो 1 लाख नहीं है, चलो लोन ले लेते हैं। नहीं है क्या? मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता किसी को, बट आजकल लोग यही कारण से लोन ले रहे हैं बिकॉज दूसरे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि आप इतने कैपिटल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप कर सकते हो, 10,000 से भी कर सकते हो चालू। लोन बिल्कुल नहीं ले सकते शेयर मार्केट में, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या क्या केसेस में लोन ले सकते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। आपके पास जब तक कोई 60-70% या उसके ऊपर की एक्यूरेसी देने वाली कोई स्ट्रेटेजी प्रूव्ड ना हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि मेरे को ये बंदा मिल गया टेलीग्राम चैनल पे जो मेरे को ज्वाइन करवा देगा, इसकी 60-70% एक्यूरेसी है, 2,000 रुपये लेगा मेरे से और जो ट्रेड्स देगा मैं वो ले लूंगा, लोन ले लेता हूँ, चलो। ऐसे नहीं होता है। पहले प्रूफ लाओ, खुद को प्रूव करो कि हाँ भाई ये एक्चुअल में मेरे को यहाँ से 60-70% एक्यूरेसी मिल रही है। आउटसोर्सिंग करो, खुद नहीं है आपके पास स्ट्रेटेजी तो आउटसोर्सिंग करो, यूट्यूब पे देखो, किसी फ्रेंड से पूछो कि कहीं पे आप आउटसोर्सिंग करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कोई बंदा आपको स्ट्रेटेजी दे रहा है 60-70% वाली या नहीं, फिर आप रिस्क ले सकते हो लोन का, ठीक है? ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं आपको, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि मैं आपकी जगह होता तो ऐसा करता। बट यूज योर ओन ब्रेन। जब तक गैम्बलिंग कर रहे हो तब तक लोन की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप लोन लेते रहोगे उतना आप गैम्बलिंग के चक्कर में फंसते रहोगे, ये मैं आपको बता देता हूं। और काफी कम लोग होते हैं जिनके पास 60-70% की भी एक्यूरेसी होती है और परफेक्ट पोजीशन साइजिंग के साथ। 60% एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है अगर आप हार रहे हो बड़ा और कमा रहे हो छोटा, ठीक है? वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो तब आप लोन ले सकते हो, छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, देखो कैसा वर्क कर रहा है। अच्छा वर्क कर रहा है, लोन अमाउंट थोड़ा बढ़ा सकते हो। मैं तो बोलूंगा लिमिट में रखो, उतना ही बढ़िया है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सेकेंड थिंग, मैं अगर कब लोन लेता शेयर मार्केट के लिए, जब मुझे इन्वेस्ट करना होता और मार्केट एक डिप में होता। डिप में मेरा मतलब है डाउन ट्रेंड में होता, और डाउन ट्रेंड मेरे हिसाब से 1 साल में कम से कम 2-3 छोटे डाउन ट्रेंड चलते हैं मार्केट में, 3-4 साल में तगड़े डाउन ट्रेंड्स भी आते हैं। तो उन डाउन ट्रेंड्स में अगर मुझे लगता है कि या ये एक सही एंट्री मिल गई है, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए या आउटसोर्सिंग कर लो, वो सब चीज़ें भी, वो सब मैं आपको नहीं बता रहा कि आप कैसे करोगे, बस आपको पता है कि ये परफेक्ट एंट्री है अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो। इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए आपको 60-70% एक्यूरेसी जो मैं बोल चुका हूँ, ये इन्वेस्टिंग की बात चल रही है। आपको पता चल गया कि यार ये तगड़ी एंट्री है, यहाँ पे अगर मिस कर दिया तो फिर भाई बहुत बढ़िया मूव मिल जाएगा हाथ से, उस केस में आप एंट्री ले सकते हो। और तब आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी ना हो उस केस में आप लोन ले सकते हो। आजकल ज़्यादातर ब्रोकर्स भी प्रोवाइड करने लगे, एक्सचेंज मार्जिन फंडिंग प्रोवाइड करने लगे आजकल। जैसे शेरखान की मैं बात कर लूँ तो शेरखान भी प्रोवाइड करता है, EMF बोलते हैं उसको, 18% पर एनम होता है, लेकिन वो आपको सिर्फ तब उतना ही इंटरेस्ट काटेगा जितने टाइम के पीरियड के लिए आपने वो लोन लिया है। 1 महीने के लिए लिया है तो आपका 1.5% ही कटेगा इंटरेस्ट, तो उस हिसाब से। सो नाउ लेट्स अज्यूम कि आप 12% पर एनम की लोन ले रहे हो, ठीक है, लोन, EMF नहीं। तो उस केस में सपोज आपको एक बढ़िया एंट्री मिल गई जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया था आपने, और इन केस में आपको ये भी मैं एडवाइस दे, ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं टॉप 50 या टॉप 100 कंपनीज के सिवा किसी को टच भी ना करूँ अगर मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो, ठीक है? टॉप 100 कंपनीज के आगे मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं। इन्वेस्ट किया मैंने बढ़िया टाइमिंग पे, बाय चांस थोड़ा नीचे गया, मैंने एवरेजिंग किया या फिर होल्ड किया। जिस मोमेंट पे आपको लगता है कि आपको 20% गेन मिल गया है, 25% गेन मिल गया है, उस मोमेंट में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करो। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको 20-25% का मूव तो कुछ ही महीनों में मिल जाएगा, कभी कभी तो 1-2 महीने में, कभी कभी 3-4-5-6-7-8 महीने में आप 20-25% का मूव तो यूं मिल जाएगा। आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 12% आपने दे दिया और अमाउंट भी आपने वापस दे दिया इंटरेस्ट के साथ, या तो आप अमाउंट अपने पास रखते हो, आपका चॉइस है, और बाकी ऊपर का जो आपके पास बचा है वो आपका है। अब उसको आपको रीइन्वेस्ट करना है या फिर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, वो आपका पॉइंट है। मैं होता तो रीइन्वेस्ट करता। और बाकी मैं जनरली तो जो जिनके पास पेशेंस नहीं है, जो अपने ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, भले आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो बट आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा ईगो को डाउन रख के खुद से पूछो यार कि मैं सच में ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता तो नहीं लेनी चाहिए लोन। फिर ईगो मत लाओ यार कि मैं तो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है।
इट्स योर मनी यार, मैं क्यों चाहूंगा कि आप लॉस करो, आप खुद भी मत चाहो कि आप लॉस करो। आपको अच्छे से पेशेंस आती है और सब आप कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग आप नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ करते हो, एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी आपके पास, या फिर आपको बढ़िया जो और मोमेंट्स मिलते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए वो आपको पता चल जाती है कैसे करते हैं, तो ही आप लोन का नाम लो, वरना जयराम जी की कर दो लोन को। और फ्री ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के लिए आप हमारी वेबसाइट bazaarbadshah.com विजिट कर सकते हो, हमारे साथ लाइफ टाइम फ्री में, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे साथ प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे अंडर या तो शेरखान में या तो एलिस ब्लू में डीमैट अकाउंट ओपन करके लाइफ टाइम फ्री में जुड़ सकते हो। हम वहाँ पे ऑप्शंस के हमारे ट्रेड्स वगैरह शेयर करते रहते हैं फ्री में, एजुकेशनल पर्पस वाले। कैसे जुड़ना है, क्या प्रोसेस है, और फ्री है कैसे है, क्या क्या सर्विसेज और भी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट bazaarbadshah.com पे मिल जाएगी। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट का, टेलीग्राम चैनल का, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सेव देम टू टेक अ लोन इफ दे डोंट नीड इट।